चैप्टर टू हमारा कंटिन्यू है बेटा, और एक्सरसाइज 2.2 पर हम लोग हैं। कल हमने सेंट्रोइड निकालना सीखा था, एंड सेंट्रोइड के जो बाकी पार्ट्स थे क्वेश्चन 8 के, वो मैंने आपको घर से करने को दिए थे। आप लोगों ने कर लिए? ठीक है, सबके आंसर आ गए तीनों के सही। सही आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं, आवाज तो सही है बेटा। वो आपकी तरफ से उसका इशू होगा, हैंड फ्री वगैरह का, या जो आप डिवाइस यूज कर रही हैं सुनने के लिए। ठीक है, यहाँ पे तो चेक करवा लिया है, ओके है आवाज, बाकी सबके पास भी ठीक आ रही होगी। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमारा 9th लेक्चर है, और कल मैंने आपको सेंट्रोइड पढ़ाया है। मेरी आवाज के साथ दूसरी आवाज भी आ रही है बेटा, मेरी ही आवाज आ रही है यहाँ पे तो, और दूसरी पंखे की आवाज आ रही है। अब पंखा बोलता तो नहीं है, उसकी एक नॉइज होती है, मगर वो डिस्टरबेंस तो क्रिएट नहीं कर रहा। देखें, नहीं नॉर्मल है आवाज बेटा। हाँ, हवा की आवाज है, अब हवा को तो नहीं रोक सकते ना। हवा को रोक लिया तो मैं तो पसीने पसीने हो जाऊंगा यहाँ पे, है ना। चले, देखता हूँ मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, अब सबको नहीं आ रही क्लियर? अब बताएं जरा, अब बेहतर हुआ कुछ? अच्छा, सही है, सबके पास सही है, अभी भी सही नहीं है। जोया तो कह रही है सही है, अब सही है, ठीक है। चले भाई, तो हम बगैर पंखे के ही पढ़ा लेते हैं आज आपको। कोई बात नहीं, आपको आवाज साफ आ जाए बस। जनाब, कल हमने सेंट्रोइड पढ़ा था बेटा, और आज हम पढ़ेंगे इन सेंटर। ठीक है, सो अभी भी नहीं आ रही? अरे भाई, क्या कर रही हो? ओके है बेटा, यहाँ से ओके। अब मैं क्या करूँ? चलें जी, आज मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ इन सेंटर। बताएं मुझे, इन सेंटर का वर्ड आपने सुना है इससे पहले, कि इन सेंटर क्या होता है? व्हाट इज इन सेंटर? हाँ जी, इन सेंटर। फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा आपने? फर्स्ट ईयर में आपको ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, और वो टॉपिक आपके पास होता है इन सर्कल का। ठीक है, और इन सर्कल कुछ इस तरह की चीज होती है आपके पास। सॉरी, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल होता है, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल मौजूद होता है। अगर सर्कल ट्राइंगल के अंदर आ जाए तो वो इन सर्कल कहलाता है बेटा, और उसका जो सेंटर होता है वो इन सेंटर कहलाता है, और रेडियस इन रेडियस कहलाता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब इन सर्कल से रिलेटेड है ये, इन सर्कल आप लोग पढ़ चुके हैं। आपने जब इन रेडियस निकाला था इसका, लेकिन आपने इसका इन सेंटर नहीं निकाला था कभी। तो अब आप निकालेंगे इसका इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर को आई से डिनोट करते हैं, आई कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसका यकीनन कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। फॉर्मूले से पहले, हाँ ये पढ़ा है ना, अब याद आया। फॉर्मूले से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा चंद चीज़ें। ये आपके पास वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 y1 हम लेते हैं,
बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम एक्स टू वाई टू लेते हैं, और बेटा सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम एक्स थ्री वाई थ्री लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ए के सामने वाली जो साइड होती है बेटा, उसको हमने उसकी लेंथ को हमेशा लिया है स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने वाली स्मॉल सी। ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी जो है ना बेटा, ये लेंथ ऑफ साइड्स हैं, यानी बी से सी तक का डिस्टेंस स्मॉल ए है, सी से ए तक का डिस्टेंस स्मॉल बी है, और ए से बी तक का डिस्टेंस स्मॉल सी है, सही है। अच्छा, अब ये जो आपके पास इन सेंटर है आई एक्स कॉमा वाई, इसका फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला हम देखेंगे। आई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, फॉर्मूला कुछ यूं है, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये एफसीसा निकालने के लिए, ठीक है, एफसीसा वाला पार्ट। अच्छा, इसी तरह से वाई वाला पार्ट हमारे पास है ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी बी प्लस सी, ठीक है। अच्छा, यानी कि ये वाला जो आपके पास पार्ट है कॉमा से पहले, ये आपको कैपिटल एक्स की वैल्यू देगा, और कॉमा के बाद जो है वो कैपिटल वाई की वैल्यू देगा, और इसके अंदर जो वाई और एक्स मौजूद हैं ये सी को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब अगर हमें इन सेंटर निकालना है, तो इन सेंटर निकालने के लिए आप देखें, आपको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री चाहिए पहले तो, और फिर उसके बाद ये ए बी सी भी चाहिए। सो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और वाई वन वाई टू वाई थ्री से तो आप वाकिफ हैं, ये आपके पास जो वर्टिसेस हैं इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, आप वहाँ पे पुट कर देंगे। ए बी सी जो है वो लेंथ ऑफ साइड है, वो कैसे निकालेंगे हम, वो किस तरह हम पता करेंगे, अगर कभी सवाल में आ जाए तो वो किस तरह हम जानेंगे। जी बच्चों, यस, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो आइए इसका एक सवाल स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, और 12 हमारे पास है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल मैं दिखाता हूं भी, बैक स्लाइड रुक जाए। क्या आप लोग साथ साथ कॉपी कर रहे होते हैं? हूज एंगुलर पॉइंट्स, तो बेटा इस तरह से तो आपका माइंड डाइवर्ट होता होगा, आपको सही समझ में आता है? कॉपी कर रहे होते हैं या फिर समझ रहे होते हैं? समझ लेते हैं सही से, क्योंकि मैंने तो आपको यही सजेस्ट किया था कि आपको जो रिकॉर्डिंग मिलती है आप रिकॉर्डिंग में से देखकर लिखा करें, उसको एक बार देख लिया करें और वहां से कॉपी कर लिया करें, बेटर ये। थोड़ा बहुत लिखना है तो यहाँ लिख लें, लेकिन अगर दो चीजें कर सकते हैं साथ साथ तो कर लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है आपको। तो चलें, ये आपके पास 2.8 और 8.2 एंड 9.9। अच्छा जी, चलें बेटा ये मैं पीछे कर रहा हूं और देख लें आप। अरे बेटा, जजाक अल्लाह अलिश्व अकबर, सलामत रहिए, आप लोग इतने अच्छे से पढ़ते हैं कि बस दिल चाहता है नॉलेज शेयर करने का। जी बेटा, ईमान रीकनेक्ट कर लो, ईमान नदीम रीकनेक्ट करो बेटा, रीकनेक्ट कर लो, मामला सही हो जाएगा।
नहीं, जोया जैसे आपको बेटर लगे, अगर आपको ऐसा सही लग रहा है कि साथ साथ उतारने में आपको समझ में आ रहा है तो नो इशू, आई डोंट हैव एनी इशू। मैं सिर्फ आप लोगों की बेहतरी के लिए कह रहा होता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि उसमें बच्चे अगर जो है वो साथ साथ कॉपी कर रहे होते हैं और साथ साथ दो काम कर रहे होते हैं, क्लास में भी, फिजिकल क्लास की बात कर लें, तो हम आपको रोक देते हैं वहाँ पर। मैं तो रोक देता हूँ, मैं तो सख्ती से बोलता था कि उस वक्त आप नहीं उतारे हैं, ठीक है। तो बस कुछ चीज़ों को देखते हुए, लेकिन अगर है कैपेबिलिटी है इसकी तो आप करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सही है बेटा, आगे कर दूं अब मैं ये। ओके बेटा, ये आपसे कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर रिस्पेक्टिवली। ये एंगुलर पॉइंट्स किस बला का नाम है, जानते हैं आप लोग इसको? हाँ, ए बी सी मतलब वर्टिसेस, ठीक है, इस तरह बोले बेटा। ये मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ एक, क्योंकि जाहिर सी बात है इन सेंटर उस वक्त तक हम शो नहीं कर सकते जब तक हम ट्राइंगल ना बनाए, तो ये लीजिए हमने ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल बना दिया। अब ट्राइंगल के जो वर्टिसेस होते हैं वही आपके पास एंगुलर पॉइंट्स होते हैं। एंगुलर पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अब मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, उससे पहले एक चीज और बना लेते हैं बेटा, सर्कल भी बनाना है ना हमें इसके अंदर, सर्कल भी बनाना है इसके अंदर, तो जरा सर्कल भी बना लेते हैं, ठीक है। आ जाए अब इसके अंदर, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वरना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वहां पे। ओके ओके ओके, एक कलर, सही है बेटा, कैसा है, सही बना आपके पास एन सर्कल? बिल्कुल, साइड्स को भी टच कर रहा है, तो ट्रायंगल के अंदर ही हमने एक सर्कल बना दिया और ये आपके पास इन सर्कल हो गया। इसका जो सेंटर है वो इन सेंटर होगा, ठीक है, ये इन सेंटर, ये इन सेंटर हो गया। इन सेंटर को डिनोट करते हैं आई से, तो यहाँ पर लिख देंगे आई कैपिटल एक्स कॉमा वाई, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके वर्टिसेस भी डिनोट कर देता हूँ मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ताकि आपको बात इजीली समझ में आ सके। ए बी सी, ठीक है। ए आपके पास क्या है, पहला वर्टेक्स 2.8, तो यहाँ लिख दिया 2.8, और बी क्या है 8.2, और सी क्या लिख दिया 9.9, सही है। ये तीन वर्टिसेस आपके पास और इसका इनसेंटर मैंने डिनोट कर दिया, और तो कुछ डिनोट करने की जरूरत नहीं है इनसेंटर में, डायग्राम हमारी कंप्लीट हो गई ना भाई। हाँ, एक चीज और बता देते हैं हम यहाँ पर, वो इसलिए कि हमें कैलकुलेशन करते वक्त आसानी हो, बस और कोई वजह नहीं है। ये आपके पास X1 और Y1 होंगे, ये आपके पास X2 और Y2 होंगे, ये आपके पास X3 और Y3 होंगे, और बेटा ए के सामने वाली साइड ए के बराबर, बी के सामने वाली बी के बराबर, और सी के सामने वाली साइड सी के बराबर, ये आपके पास होगा। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, चलें जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सवाल को, बकायदा इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हुए। क्या लिखेंगे हमें बेटा, इन सेंटर निकालना है, तो हम कुछ यूं यहाँ पर गुफ्तगू शनीद करेंगे, सॉल्यूशन लेट ए 2.8, बी 8.2 एंड सी 9.9
बी द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इन विच अ सर्कल इज इनक्लोज्ड। सही है ना, सर्कल इनक्लोज, सर्कल बने इसके अंदर, हुज इन सेंटर आई सी कॉमा वाई इज रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, चलो जी अभी हमारे पास डिस्क्रिप्शन हो गई। सबसे पहला काम हमने क्या करना होगा, इन सेंटर निकालने के लिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री चाहिए होते हैं बेटा, वो हमारे पास पहले से मौजूद है डायग्राम में, देख लो वर्टिसेस मौजूद हैं। हमें मेहनत किस पे करनी है, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी निकालने के लिए, असल काम इसमें यही होता है। तो अब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कैसे निकालेंगे, आपने ही बताया था डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं, फॉर द लेंथ ऑफ साइड, किस चीज की लेंथ निकालना है बेटा, कौन सी साइड की, ए बी की, ए बी की निकालते हैं पहले। ठीक है, ये ए बी साइड की लेंथ निकाली, दैट इज ए बी साइड की लेंथ किसके बराबर है, सी के बराबर है। तो यहां पर लिख दिया सी। चलो जी ये हेडिंग हो गई, आए अब लगाते हैं इसके ऊपर फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर लिखते हैं बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा, ए से बी तक का डिस्टेंस निकालना है, क्या लिखेंगे ए बी, और क्योंकि ये डिस्टेंस सी के बराबर है तो यहाँ पर सिंपल सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे अंडर रूट, अच्छा जी, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर चार वैल्यूज चाहिए, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। ठीक है, अच्छा एक्स वन वाई वन क्या होगा बेटा, ए के कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि पहले हम ए ले रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स टू वाई टू होंगे। सही है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स देखें क्या है, टू और एट, यहाँ पर हम लिख लेंगे टू एट, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एट टू, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एट और टू। सही है, अब पुट करते हैं इसमें सी इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू की जगह एट माइनस एक्स वन की जगह टू स्क्वायर प्लस वाई टू की जगह टू माइनस वाई वन की जगह एट स्क्वायर। सी इक्वल टू अंडर रूट एट माइनस टू सिक्स, सिक्स का स्क्वायर प्लस टू माइनस एट माइनस सिक्स का स्क्वायर। सी इक्वल टू अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर 36 प्लस माइनस सिक्स का स्क्वायर भी 36 होगा। कुछ बच्चे हीरो होते हैं, वो कहते हैं माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस 36, और 36 माइनस 36 जीरो, कहते हैं सर सी की लेंथ जीरो आ रही है। तो भाई मैं कहता हूँ ये कौन सा अजीबोगरीब ट्राइंगल है, एक साइड ही उड़ गई उसमें से, हवा आने लगी ये अंदर, फिर तो ऐसा नहीं होता बेटी, क्या होगा इसके अंदर, स्क्वायर से माइनस कैंसिल होगा ना जो हमने किया है, और सिक्स का स्क्वायर 36। ठीक है, तो 36 प्लस 36, आप लोग भी ऐसे ही तो नहीं करते, कहीं जीरो कर देते इसको। सी इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 72। अब बच्चों 72 का रूट पूरा तो नहीं निकल सकता, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेटर में लिखो तो ये आपको आंसर देगा 6√2, 6√2 आंसर देगा आपको। सी इक्वल टू 6√2 यूनिट्स। ठीक है, ये हमने लेंथ निकाल ली ए बी साइड की जो कि सी के बराबर है, इसमें बता दें आप कोई मसला है तो। कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल तो बता दें, वरना फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब मैंने ए बी की लेंथ निकाली है ना सी, अब आप लोग स्मॉल ए और स्मॉल बी भी निकालें, वो आप लोग निकालें, मैं आपको 5 to 7 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, और जल्दी से निकाल के मुझे आंसर बताएं। शाबाश, मैं इसको पीछे कर दूं तो आप ये इसके कोऑर्डिनेट्स देख सकेंगे। सही है, निकालिए, ज़रा निकाल लेंगे ना आप लोग।
हो रहा है बेटा, सॉल्व हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बेटा स्मॉल ए पर बार नहीं आएगा, ठीक है? स्मॉल ए इज द सिंबल, स्मॉल ए एक सिंबल है एसी लेंथ का, एसी डिस्टेंस का, ए बी डिस्टेंस का, एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? तो वो खाली ऐसी लिखेंगे आप? नहीं बेटा, साइड के लिए मिड पॉइंट यूज नहीं होगा, आप कंफ्यूज हो रही हो, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि इसमें मामला है क्या असल में। मैं जो है ना वो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी बीच में लिखता हूँ तो बच्चे समझते हैं इट इज द मिड पॉइंट। नो बेटा, ये मिड पॉइंट नहीं है, ये मिड पॉइंट नहीं है, ये ए से सी तक का, ए से बी तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंसेस हैं, ठीक है? तो डिस्टेंस निकलेगा तो ये सी आएगा, ये बेसिकली साइड का नाम रखा हुआ है हमने, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। क्लियर हो गई बात? मिड पॉइंट नहीं है ये। जी बिल्कुल जुनैरा, आपने सही निकाला आंसर। ठीक है, गुड। ईमान, मुस्फिरा, वेरी गुड। जी, तो मैंने आपके सामने सी निकाला था और आप लोगों ने उसको सॉल्व किया है, स्मॉल ए और स्मॉल बी को ना, तो ए कितना आ रहा है, 5√2 यूनिट्स, और बी जो है वो भी यही आ रहा है, 5√2 यूनिट्स, दोनों यही आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो अब हमारे पास तीनों आ चुके हैं, अगर ये तीनों आ चुके हैं हमारे पास, तो अब हम बेटा इसके ऊपर इन सेंटर का फॉर्मूला लगा के इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं ना। तो आइए मालूम करते हैं इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? स्टार्ट करें, यहाँ तक सबका हो गया या किसी का रह गया है? किसी का रह गया है तो बता दें। अभी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट एंड में आएगी। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें इंसेंटर निकालना है। आइए बेटा इंसेंटर निकालते हैं, ठीक है? हेडिंग डालेंगे फॉर इंसेंटर आई एक्स कॉमा वाई, ये इंसेंटर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है? बाय यूजिंग फॉर्मूला या इंसेंटर इज गिवन बाय, जो आपको अच्छा लगता है वो लिख लीजिएगा, बाय यूजिंग फॉर्मूला, और आई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू a(x1) + (bx2) + (cx3) / (a+b+c) और (ay1) + (by2) + (cy3) अपॉन (a+b+c), ठीक है? ये आपके पास। अच्छा, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं, आप लोग बताते जाएंगे वैल्यूज क्या हैं। a कितना है बेटा हमारे पास, a मैंने निकाला था ना, नहीं ये आप लोगों ने निकाला है, 5√2 है, 5√2, ठीक है? और x1 कितना है, x1 2 है,
यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस बी कितना है, बी भी आप लोगों ने निकाला था, बी भी यही आया है 5√2, 5√2 एंड एक्स टू कितना है, एक्स टू भी आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 8 है, प्लस सी कितना है बेटा, सी मैंने निकाला था 6√2 है, और एक्स थ्री कितना है, एक्स थ्री 9 है हमारे पास, एक्स थ्री 9 है, और अपॉन क्या चल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, तो यूं लिख देंगे 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2, ठीक है, फिर कॉमा, आगे चलते हैं, ए वाई वन एक ही जगह वही 5√2 और वाई वन, वाई वन क्या है हमारे पास, वाई वन 8 है, वाई वन 8 है, प्लस बी क्या है हमारे पास 5√2 और वाई टू क्या है, वाई टू हमारे पास 2 है, वाई टू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, प्लस इसी तरह सी क्या है हमारे पास 6√2 है, और वाई थ्री क्या है, वाई थ्री हमारे पास 9 है, वाई थ्री की जगह 9 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय नीचे इनको ऐड करना है 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2, ठीक है, और ये हमारे पास डन। चलें जी अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, आई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, बेटा ये रूट टू वाली वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी। जी ईमान नदीम क्या कह रही है बेटा, हैंड रेस किया है आपने, चैट में लिख दें जो लिखना है, जो पूछना है, 5 2 से होगा, 5 2 10 और ये रूट टू ऐसे ही रहेगा, प्लस फिर 5 4 8 मल्टीप्लाई होंगे, 5 8 40 हो जाएगा 40√2, प्लस 6 9 54√2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा देखें, ये सब ऐड होंगे, 5√2 5√2 6√2, कितने रूट टू हो जाएंगे, ये 10 और ये 16√2, यहाँ पे आ गया 16√2 कॉमा, ये 5 8 40 और रूट टू प्लस 5 2 10 रूट टू प्लस 6 9 54√2, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखें 5 5 और 6 16√2, सही है, आई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, बेटा 10√2 40√2 54√2 सब ऐड होंगे, 54 और 40 94 94 and 10 104, ये हो गया 104√2 डिवाइडेड बाय 16√2। अच्छा इसको इसको कॉमन लेना नहीं कहते बेटा, इसका मतलब है ऐड हो रहा है, यहाँ पर रूट टू जो है वो एज अ वेरिएबल बिहेव कर रहा है, जैसे लिखा होता है 10x प्लस 40x प्लस 54x, तो आप उन सबको ऐड करते हैं ना, ठीक है, उन सबको ऐड करते हैं, तो इसका मतलब ही यहाँ पर यही है कि 10√2 40√2 और 54√2 ये थे हमारे पास, इन सबको आपस में ऐड किया तो 104√2 हो गए हमारे पास, आ गई बात समझ में। चलें जी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी यही होगा, 40 10 50 50 और 54 कितना हो जाएगा 104 104√2 अपॉन 16√2, ठीक है बेटा, ये √2 से √2 कैंसिल, ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये 8 के टेबल से, 8 2 16 और 8 13 104, 8 2 16 और 8 13 104, सही है, क्या आंसर आएगा आपके पास, आई एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, कर सकते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्या बचेगा आपके पास, 13 अपॉन 2 कॉमा 13 अपॉन 2, ये आपके पास इन सेंटर का आंसर आ गया बेटा, ठीक है, तो एंड में हम सेंटेंस लिख देंगे, यहाँ पर क्या सेंटेंस आएगा हमारे पास, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर आर, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आई और एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 13 अपॉन 2 कॉमा 13 अपॉन 2, आंसर हो गया आपका, ठीक है बेटा, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कैलकुलेशन जो है सारी ये तो मैंने मैनुअली की है, सही है, कोई सवाल है तो बता दें,
अच्छा जनाब, तो ये इन सेंटर की बात हो गई। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12 का जो दूसरा पार्ट है वो आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी पेज नंबर 61 पे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 12 का जो दूसरा पार्ट है वो आप लोगों ने करना है, और कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर इन सेंटर की बात कंप्लीट हुई। अब मैं एक नए सवाल की तरफ बढ़ूंगा बेटा। ये बताएं, 11 हो गया था क्या? 11 रेक्टेंगल वाला सवाल है। अच्छा, 11 करवा दिया है आपको? कैसे किया था आप लोगों ने 11? जरा चेक करें, अपने रजिस्टर में पीछे जाएं और मुझे बताएं आप लोगों ने 11 कैसे किया है। अच्छा, मिड पॉइंट के बाद पाइथागोरस थ्योरम। ओके, वेरी गुड, सही है सही है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपने पहले तीन साइड्स की लेंथ भी निकाली होगी डिस्टेंस फॉर्मूले से। मैंने तो सिर्फ आपको गाइड किया था, आप लोगों ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और पाइथागोरस थ्योरम में जो है ना, आपके पास दोनों साइड पर 100 आ रहा होगा, आई थिंक आ रहा था 100। हाँ, मैंने आधा करवाया था, ठीक है। हाँ, वाह वाह भाई, माशाल्लाह, जवाबात तो ऐसे आ रहे हैं तेज़ी से। बहुत खुशी हो रही है देखकर, बड़ा खुशाइन है ये कि आप लोगों ने किया, और बड़ी खुशी के साथ आप लोग जवाबात दे रहे हैं कि जी हमने कर लिया था, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं मेरे सामने, ठीक है। ये हो गया था। अच्छा जी, अब बचा कौन सा है हमारा? ये 18 हो गया है हमारा, 18 कल किया है क्या हमने? चले, 18 भी हो गया माशाल्लाह। 19 हुआ है क्या? 19, 14 नहीं हुआ? 14 हो चुका है बेटा। फोर्टीन हो चुका है, नहीं हुआ? बड़ी अजीब सी बात हो गई, कंफर्म करें जरा। 14, 14 बताएं पहले, मुझे वोट दें सब जरा। हफ्सा नासिर कह रही है 14 हो गया है, बेटा गौर से देख लें जरा। फोर्टीन के बारे में बात कर रहे हैं। किसी के पास भी नहीं है? अफसा, आपके पास है खाली? चने भी करवा देता हूँ, रेशो थ्योरम से रिलेटेड है ये, और इसका होना बहुत ज़रूरी है। अभी करवा देते हैं आपको। अच्छा, होमवर्क दिया था। हाँ, तो फिर होमवर्क का तो यही है कि हो सकता है ना किया हो। होमवर्क वैसे मैं 14 देता नहीं हूँ। अच्छा, अगर मैंने दे दिया तो खैर, तो मैं करवा देता हूँ फिर भी अभी। चले, मैं करवा देता हूँ, करवा देता हूँ। अच्छा,
मुझे ये बातें सुन के ना वो क्लास वाली फाइट याद आ रही है आप लोगों की। क्लास में भी आप लोग ऐसे ही करते थे ना, कितने अच्छे दिन थे हमारे वो, जिसमें आप जो है वो कोई सवाल पूछा, नहीं नहीं ये हो गया था, कोई कहता था नहीं हुआ था, चलें खैर। तो 14 कर लेते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी माइनस 8, 10 एंड क्यू 6, -4 इज कट बाय एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियोज इन विच ए एंड बी डिवाइड पी क्यू। सही है, ये आपके पास क्वेश्चन है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू। अब एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, क्या मतलब बेटा? उस लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट हैं पी एंड क्यू, इज कट वाई एक्स एंड वाई एक्सिस। ए एक्स ई एस इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर बेटा। ए एक्स ई एस का मतलब क्या है? ए एक्स ई एस वाले एक्सिस का मतलब क्या है? जी बेटा, ये प्लूरल है एक्सिस की, मतलब यहाँ पर ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियोज इन विच ए एंड बी डिवाइड पी क्यू। मैं पहले एक लाइन बना लेता हूँ पी क्यू, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये एक मिनट बेटा, हाँ मैं बताता हूँ आपको दोबारा से। देखो यहाँ पर हम बनाएंगे एक लाइन, ठीक है, पी क्यू -8, 10 और क्यू है हमारे पास 6, -4। सही है, ये एंड पॉइंट है हमारे पास। अब वो क्या कह रहे हैं आपसे कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना बेटा, इस कट बाय एक्स एंड वाई एग्जिस्ट एट ए एंड बी, ठीक है, ये एक्स और वाई एग्जिस्ट से कट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एक्स और वाई एग्जिस्ट बना देता हूँ बेटा। ये मेरे पास वाई एग्जिस्ट है और ये मेरे पास एक्स एग्जिस्ट है। अब आप देखें ये लाइन सेगमेंट जो है वो वाई एग्जिस्ट से भी कट हो रहा है यहाँ पर और एक्स एग्जिस्ट से भी कट हो रहा है बेटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, एक्स एक्सिस से जो हो रहा है उसको हम नाम दे देंगे किसका, ए का, और वाई एक्सिस पे जो हो रहा है उसको हम नाम दे देंगे बी का, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं आपसे, फाइंड द रेशियोज इन विच ए एंड बी डिवाइड पी क्यू। रेशियोज निकालने, वो रेशियो जो ए पर है और वो रेशियो जो बी पर है, ठीक है। ए पॉइंट पर भी m1:m2 निकालना है और बी पॉइंट पर भी m1:m2 निकालना है, ठीक है। चलें जी, ठीक है, यहाँ तक बात हो गई हमारी, इसमें कोई मसला कोई परेशानी तो बता दें, फिर आगे चलते हैं। हट जाएगा बेटा, जो स्क्रीन पे आ रहा है हट जाएगा। अब सही हो गया? अब बताइए,
डायग्राम समझ में आ गई आपके? हाँ ठीक है जी। अब बेटा ए और बी पर जो ये कट कर रहा है, तो हमने क्या करना है, रेशियोज निकालना है। ठीक है, अब वो रेशियो निकालने के लिए रेशियो थ्योरम लगता है बेटा। रेशियो थ्योरम के दो फॉर्मूले, एक कैपिटल एक्स वाला, एक कैपिटल वाई वाला। तो उसके लिए ना हमें रेशियो निकालने के लिए एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और साथ साथ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई भी चाहिए होता है। तो बेटा अगर मैं बात करूँ एक्स वन वाई वन की, तो यहाँ पर मेरे पास मुझे नज़र आ रहा है ये एक्स वन वाई वन मौजूद है और ये एक्स टू वाई टू मेरे पास मौजूद है। लेकिन बेटा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मेरे पास मौजूद नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो ए पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है, पॉइंट ऑफ डिवीजन है ना, ये डिवाइड कर रहा है लाइन को। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होते हैं। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू क्या है? इसी तरह आप बी पर बता सकते हैं कि बी पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे बताइए ज़रा। बेटा मिड पॉइंट से ना हम इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये ए और बी मिड पॉइंट है या नहीं। लॉजिक से निकलेगी यहाँ की वैल्यू, मुझे बताएं। जोया का जवाब आ गया, मुस्फिरा का जवाब आ गया। बेटा ये पुरानी बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ यहाँ पर। मिजना अलायबा सब जवाब दे रही हैं, बिल्कुल सही। बच्चों ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ये जो ए पॉइंट है ना बेटा, यहाँ पर देखें ये लेफ्ट पर है, पॉइंट लेफ्ट पर आया है, दैट मीन्स यहाँ एक्स की कुछ वैल्यू होगी। लेकिन अगर वाई की बात करें ना, तो बेटा वाई पर वैल्यू जब जनरेट होती है जब कोई भी पॉइंट जो है वो ऊपर जाता है या नीचे जाता है। लेकिन ये पॉइंट तो सिर्फ एक्स एक्सिस पर है, इसने तो वाई पर ट्रैवल ही नहीं किया। जब वाई पर ट्रैवल ही नहीं किया तो बेटा वाई पर इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, इसी तरह अगर आप बी की बात करें, तो ये जो बी पॉइंट है बेटा, इसने ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस पर कुछ ना कुछ ट्रैवल किया है, तो यहाँ पर इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हमें नहीं पता कितनी होगी, तो हमने वाई लिख दिया। और यहाँ इसने एक्स पर कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, ना ये राइट गया है ना ये लेफ्ट गया है, तो एक्स यहाँ पर क्या होगा, जीरो। और अगर चोर तरीके से समझना चाहें इसको, तो वो ट्रिक ये है आपके लिए कि जब कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है, तो एक्स एक्सिस को कट करते हुए आपके पास वाई जीरो होता है और वाई एक्सिस को कट करते हुए एक्स जीरो होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? पहले समझा चुका हूँ आपको ये बात, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? सही है, बढ़ जाऊं आगे? चले, अब हमें रेशो चाहिए ए और बी पर। थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे इसको। सॉल्यूशन ठीक है, और यहां पर लिख देंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट ए एक्स कॉमा जीरो एंड बी 0, y बी द टू पॉइंट ऑफ, बी द टू पॉइंट ऑफ डिविजन्स, पॉइंट्स ऑफ डिविजन सॉरी, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ डिविजन ऑफ द ज्वाइन ऑफ पी माइनस 8, 10 एंड क्यू 6, -4 इन सम रेशो, किसी ना किसी रेशो में कर रहे होंगे। अब बेटा रेशो निकालना है पहले ए पर और फिर बी पर, तो मैं निकाल रहा हूं पहले ए पर। मैं यहां पर लिखूंगा फॉर द रेशोस, फॉर द रेशो एच ए एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, और रेशो निकालने के लिए लगता है रेशो थ्योरम, तो मैंने यहां लिखा बाय यूजिंग
रेशो थ्योरम। मुझे बताइए कौन सा रेशो थ्योरम लगाऊं, कैपिटल एक्स वाला कैपिटल वाई वाला, दोनों लग सकते हैं ना, दोनों फॉर्मूले होते हैं ना, मतलब यहाँ पर कौन सा लगेगा, y वाला लगाऊं x वाला? y वाला क्यों लगाऊं, क्योंकि y की वैल्यू जीरो है, कैलकुलेशन में आसानी होगी। बिल्कुल, यहाँ लिख दिया y इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ठीक है, y की वैल्यू जीरो है, इसकी जगह जीरो आ जाएगा। एम वन एम टू निकालना है, एम वन ऐसे ही रहेगा, वाई टू क्या है, वट इज वाई टू? वाई टू आपके पास है माइनस फोर। ठीक है, वाई टू की जगह माइनस फोर लिख दिया, प्लस एम टू आपके पास ऐसे ही रहा, वाई वन कितना है आपके पास, वाई वन है टेन, वाई वन की जगह आ गया टेन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। ये एम वन प्लस एम टू डिवाइड में है, उधर आके मल्टीप्लाई होगा जीरो से, जीरो इंटू एम वन प्लस एम टू हो जाएगा, और ये माइनस फोर की मुलाकात एम वन से होगी, ये हो जाएगा माइनस फोर एम वन प्लस टेन की मुलाकात होगी एम टू से, तो ये हो जाएगा टेन एम टू। बेटा जीरो कहता है जो मुझसे टकराता है मुझ जैसा हो जाता है, तो जब जीरो एम वन प्लस एम टू से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस फोर एम वन प्लस टेन एम टू। ठीक है, माइनस फोर एम वन है इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस फोर एम वन इक्वल टू टेन एम टू। सही है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर रेशो बनाना है, यानी एम वन अपॉन एम टू बनाना है, तो क्या करेंगे, एम वन या एम टू मल्टीप्लाई में दरा के क्या होगा, डिवाइड। ये टेन है, फोर मल्टीप्लाई में दरा के क्या होगा, डिवाइड। इसको कैंसिल करेंगे बेटा, टू टू ज़ा फोर, टू फाइव ज़ा टेन। अच्छा, एम वन डिवाइड को चेंज करेंगे रेशो में, एम टू इक्वल टू फाइव डिवाइड को चेंज करेंगे रेशो में टू, ये आपके पास रेशो आ गया। इसका मतलब है कि ए पर जो डिवीजन हो रही है वो इस रेशो में हो रही है, फाइव रेशो टू के अंदर। क्लियर है बात? हाँ बच्चों, तो समझ में आ गया ये रेशो निकालना ए पर। अब बी पर जो रेशो निकलेगा वो भी इसी तरीके से निकलेगा रेशो थ्योरम से, और उसमें कौन सा वाला रेशो थ्योरम लगेगा, इसमें वाई वाला लगा था, उसमें एक्स वाला। तो जल्दी से शाबाश ज़रा निकाल लें और मुझे बता दें फिर। फाइंड कर लें, एट रेशो सिक्स, उसको कैंसिल करें ना बेटा, टू से कैंसिल करें, जी बिल्कुल फोर रेशो थ्री, बाकी सब भी चेक करें, सॉल्व करके आ रहा है। फोर रेशो थ्री इज द आंसर।
ठीक है बेटा, हो गया तो अब कुछ आगे बात कर लेते हैं, अगर कर लिया है तो। कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 भी मैं करवा दे रहा हूँ, अभी रह गया था ना ये आपका, तो ये भी आज हाथ के हाथ कर लेते हैं। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जी बेटा 4:3 इज द आंसर। ठीक है बेटा, ये ट्राइसेक्टेड की बात हो रही है इसके अंदर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। अब बाइसेक्शन तो समझ में आता था, बाइसेक्शन दो टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देना। अच्छा, स्टेटमेंट का पूछ रही हैं आप? हाँ अच्छा बेटा, स्टेटमेंट लिख लें पिछले वाले सवाल में, पहले मैंने रिमाइंड करवा दिया, लिखें ज़रा स्टेटमेंट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉपी कर लें जल्दी से साथ साथ मेरे। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q, बेटा P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिएगा, इज डिवाइडेड बाय एक्स एंड वाई एक्सिस इन द रेशोस। एक्स एक्सिस यानी ए वाला बताएं, ए वाला मैंने निकाला था 5:2 एंड आपने जो निकाला 4:3 रिस्पेक्टिवली। ये स्टेटमेंट नीचे लिख दें और यहाँ पर बात खत्म हो जाएगी आपकी। कॉपी कर लें बेटा, और जैसे ही कॉपी करें यस लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में। चलें जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जिस सवाल की अभी बात कर रहे थे उसको सॉल्व करते हैं। सही है बच्चों, ट्राई सेक्शन की बात हो रही है। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है? बाई सेक्शन का मतलब होता था लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है, समझ गए होंगे आप लोग? ट्राइसेक्ट कर देना मतलब तीन बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना, तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना। सही है। अच्छा जी, तो एक लाइन मैं बनाता हूँ यहाँ पर, और उस लाइन पे क्या लिखा हुआ है? द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स का मतलब है ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। पी आपके पास 2, -3 है और क्यू है
माइनस फोर कॉमा फाइव. बेटा लिखा हुआ इस ट्राइसेक्टेड, ट्राइसेक्ट होने का मतलब होता है तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड करना, तीन बराबर हिस्सों में. तो मैं बराबर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तीन बराबर हिस्सों में. तीन बराबर हिस्सों में जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा अभी देख लेते हैं. लिखा हुआ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन. ये पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है आपके पास ना, इनको हम नाम दे देते हैं. एक को ए नाम दे देते हैं, एक को ए नाम दे देते हैं, एक को बी नाम दे देते हैं. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट भी एक्स वाई होंगे, इसके कोऑर्डिनेट भी एक्स वाई होंगे. इन दोनों को ये नाम दे दिया हमने, ए एक्स वाई और बी एक्स वाई. ठीक है, अब दोनों के कुछ ना कुछ रेशोज होंगे बेटा. तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि ए पर रेशो क्या होगा, बी पर रेशो क्या होगा? क्योंकि हमें ना ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ए और बी, इसके लिए हमें एक्स वाई निकालना है. और एक्स वाई अगर निकालना है तो उसके लिए या तो मिड पॉइंट फार्मूला लग सकता है, लेकिन बेटा ये बात वाजह है यहाँ पर क्योंकि तीन बराबर हिस्सों में ब्रेक किया है, तो ना ए मिड पॉइंट है ना बी मिड पॉइंट है. इस बात पे आप सब एग्री करेंगे. अब मुझे बता दें कि रेशो क्या होगा, ए पर रेशो क्या होगा और बी पर रेशो क्या होगा. यस मुस्फिर, आपने बिल्कुल सही बताया, ए पर रेशो क्या होगा और बी पर रेशो क्या होगा. ए और बी पे रेशो क्या होगा? यस, ट्राइसेक्ट किया है तो अगर आप यहां देखो ए पर, तो ये एक हिस्सा है और उधर दो हिस्से हैं, तो यहां पर रेशो होगा 1:2. और अगर आप बी पर देखो तो ये 1:2, दो हिस्से इधर हैं और एक हिस्सा उधर है, तो ये क्या होगा? 2:1. सिंपल सी बात है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, क्योंकि हमें पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने ए और बी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम यहाँ पर रेशो थ्योरम लगाएंगे. ठीक है, और रेशो थ्योरम लगाने से पहले हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे चीजों को, लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद लेट क्या कहेंगे, लेट ए एक्स कॉमा वाई एंड बी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट, बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन इन द रेशोज. इनके रेशोज भी हमने पता लगा लिए, 1:2 एंड 2:1 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, अब जब रेशोज पता है और एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू भी पता है, ये देखें ये आपके पास एक्स वन वाई वन है और ये आपके पास एक्स टू वाई टू है. सही है जनाब, अब हम रेशो थ्योरम लगाएंगे और क्या निकाल लेंगे, रेशो. मुझे बताएं अगर ए पर मौजूद रेशो निकालना है मुझे, ए की वजह से जो रेशो है, तो मैं एक्स वाला रेशो थ्योरम लगाऊं या वाई वाला लगाऊं, कौन सा लगाऊंगा? ए वाला रेशो थ्योरम या वाई वाला, सॉरी एक्स वाला रेशो थ्योरम या वाई वाला, कोई सा भी. जवाब ये होना चाहिए सर, कोई सा भी लगा लें. ठीक है, आंसर आपके पास वही आना है. तो मैं यहां लिख रहा हूं हेडिंग फॉर ए एक्स कॉमा वाई बाय यूजिंग रेशो थ्योरम. एक्स वाला लगा देते हैं, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन M1 प्लस M2. ठीक है, X निकालना है. अच्छा बेटा यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा मैं यहाँ पर गलत कह गया, हमें A निकालना है ना X और Y, हमें A निकालना है ना, रेशो तो गिवन है हमें, तो हमें X वाला भी लगाना होगा Y वाला भी लगाना होगा, क्योंकि हमें X भी चाहिए Y भी चाहिए. ठीक है, बारी बारी दोनों लगाएंगे हम, X वाला भी और Y वाला भी, क्योंकि अगर हम खाली x वाला लगाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, y वाला लगाएंगे तो खाली y वाली वैल्यू आएगी. दोनों लगाने पड़ेंगे ताकि हमारा पूरा ये पॉइंट बन जाए. क्लियर है ये बात? तो अभी x वाला लगाते हैं फिर y वाला लगाएंगे. x इक्वल टू m1 की जगह क्या पुट करेंगे, a का रेशो है 1:2, तो m1 की जगह 1, x2 कितना है माइनस 4, प्लस m2 कितना है बेटा 2, x1 कितना है 2 अपॉन एम वन प्लस एम टू यानी 1:2. एक्स इक्वल टू 1-4 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 प्लस 2 2 4 अपॉन 1:2 3. एक्स कितना आ जाएगा 0, क्योंकि माइनस 4 प्लस 4 0 होगा, ये एक्स आ गया.
अब इसी तरह से मैं निकालूंगा वाई, वाई इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ठीक है, वाई इक्वल टू एम वन क्या है हमारे पास, वन है, वाई टू क्या है, वाई टू फाइव है, वाई टू की जगह फाइव आ गया, प्लस एम टू क्या है टू, और वाई वन क्या है हमारे पास, वाई वन हमारे पास है माइनस थ्री, माइनस का थ्री, यहाँ आ गया माइनस थ्री, और नीचे एम वन प्लस एम टू यानी वन प्लस टू। वाई इक्वल टू वन फाइव ज़ा फाइव प्लस माइनस माइनस टू थ्री ज़ा सिक्स, वन प्लस टू थ्री, एंड ये वाई इक्वल टू फाइव माइनस सिक्स क्या हो गया, माइनस वन अपॉन थ्री। सो बेटा ये आपके पास ए पॉइंट आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे ए एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, बेटा एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह माइनस वन अपॉन थ्री। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन दो हैं, ए और बी, हमने उनमें से ए मालूम कर लिया। बेटा बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आ गया? ठीक है, अब इसी तरह आपने बी मालूम करना है, तो आप लोग कर लेंगे बी, मुझे उम्मीद है कर लेंगे। कर लेंगे बेटा, अगर कर लेंगे तो जरा चैट में यस लिख दें ताकि मैं मुतमईन हो जाऊं। रेशो थ्योरम की मदद से बी निकालने, ठीक है बेटा निकालिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का, आपके आंसर का। माहम तारिक ने आंसर निकाला है, और लाइबा ख़ान ने भी, और मुस्फिरा ने भी, और इनके मुताबिक बेटा ये माइनस टू और सेवन अपॉन थ्री आ रहा है, माइनस टू एंड सेवन अपॉन थ्री। सही है, बाकी लोग भी कर लें और बता दें फिर। ठीक है बेटा, वेरी गुड।
मुझे उम्मीद है कल आपकी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट हो जाएगी, ये ख़त्म होके, एंड वो भी इसी तरह अच्छी एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप लोग कर चुके हैं तो मुझे ज़रा फीडबैक दें, ये चैप्टर आपको थका तो नहीं रहा? ये चैप्टर आपको कैसा लग रहा है अभी तक सो फार? व्हाट अबाउट द क्लासेस? हाँ, ऐसा ही होता है, ये इंटरेस्टिंग होते हैं लेकिन लेंदी होते हैं, लेंदी सवाल बहुत हैं इसके अंदर ना, ज्योमेट्री में यही है, कॉन्सेप्ट तो ईजी होता है। हाँ बेटा, फॉर्मूले तो बहुत हैं, देखो फॉर्मूले फर्स्ट ईयर में जो है ना ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत थे, लेकिन क्या है कि बस करना तो है। कॉन्सेप्ट इजी हैं बट डिफरेंट डिफरेंट हैं, ऐसा ही है। सही है, तो टेस्ट की तैयारी आप लोग करें, 2.1 एंड 2.2 जो है, दोनों टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस में सब समझ आ रहा है। आमना तारीख, ठीक है, अच्छी बात है, बट लेंदी है, सबका यही शिकवा है। अब लेंदी का तो कोई इलाज नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें जो है स्टेप तो कम नहीं कर सकते, तो ये तो ऐसा तो है बस। अब सही है। अच्छा, इसके एंड में स्टेटमेंट लिख दें, इस क्वेश्चन के एंड में क्या लिखेंगे आप लोग? द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर, बस ये लिख दें, द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर, और ये दो कोऑर्डिनेट्स लिख दें। सही है, थैंक यू वेरी मच जोया, जज़ाकअल्लाह फॉर द प्रीशियस वर्ड्स। एंड वी होप के बहुत जल्द सब कुछ रिज्यूम हो जाए फिजिकल क्लासेस, तो इंशाल्लाह फुल जोम के साथ पढ़ाएंगे फिर। और ठीक है बेटा, स्टेटमेंट लिख लिया आप लोगों ने सबने? अच्छा, जो नहीं हुआ है वो मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह। अलिशबा मैंने नोट कर लिया है। सही है, पर यहाँ पे हम ऑफ कर रहे हैं क्लास, कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला इसी टाइम पर। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।